सभी श्रोताओं को आनंद कृष्ण का नमस्कार। आकाशवाणी भोपाल से आप और सुन रहे हैं बुंदेली कवि गोष्ठी, और आज की जो बुंदेली कवि गोष्ठी है हम और ने केंद्रित करो है पर्यावरण पे। कह सके आजकल को सबसे बड़ा चिंता को विषय और सबसे बड़ी ये बात बहुत चिंता व्यक्त करी जा रही है वो क्षेत्र पर्यावरण को क्षेत्र है, तो पर्यावरण पे केंद्रित जा आज की कवि गोष्ठी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज की जा कवि गोष्ठी में जो कवि भाग ले रहे हैं, सबसे पहले हम आप और से उनको परिचय करा दें। हमारे बीच में हैं श्री विनोद कुमार नयन जी। धन्यवाद। विनोद कुमार नयन जी बुंदेली के वरिष्ठ रचनाकार हैं। उनकी अवेलो दो किताबें छप चुकी हैं, कछू तो दुनिया खो दे जाओ और धरा की धरोहर हैं बेटियां। ये दो किताबें हैं विनोद कुमार नयन जी की प्रकाशित हो चुकी हैं और अब और भी उनको लेखन जारी है। एक संगे संगे हमारे बीच में आज उपस्थित हैं श्री गोकुल सोनी जी। गोकुल सोनी जी भी वरिष्ठ बुंदेली के रचनाकार हैं। सारे बगले संत हो गए जो उनकी किताब को नाम है, और छींटे और बौछार हैं उनकी एक और किताब है। तो गोकुल सोनी जी कहानी भी लिख रहे हैं, कविताएं भी लिखाते हैं और बुंदेली की अच्छी रचनाकार। जयराम जी, बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में मनोज जैन मधुर उपस्थित हैं, युवा कवि हैं और साथ साथ बुंदेली पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब उनकी दो किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, एक बूंद हम और धूप भरकर मुट्ठी में। ये दो किताबें मनोज जैन मधुर जी की प्रकाशित हो चुकी हैं, हमारे बीच में वे आए हैं कविता पाठ कर बैठाना। तो मनोज भैया आपको बहुत बहुत जयराम जी की। भैया बहने हरो, अपन और जैसे जानते ही हैं कि पर्यावरण को मामला ऐसा है कि जब तक अपने आसपास को जो वातावरण है वो साफ स्वच्छ शुद्ध न रहे तब तक अपन और भी साफ स्वच्छ और शुद्ध और स्वस्थ न रह पाए। मनो अपन ने अपने पर्यावरण के संगे कितनों सारो अत्याचार करो है कि हम एक दुहा में बतावो चाहते हैं कि बिरछा जंगल के कटे। क्या बात है, है ना भैया? बिरछा जंगल के कटे खोदी गहरी खान, वाह और आके अटके कंठ में अब नदियों के प्राण। क्या बात है, बहुत अच्छी। आज के समय में पर्यावरण के संगे अपन इतना खिलवाड़ कर चुके हैं कि अब अपनों खुदाई को अस्तित्व संकट में आ गया है। बिल्कुल सही। तो ये सब बातों में ध्यान में रखा था आज की जो कवि गोष्ठी अपन ने आयोजित करी है। तो सबसे पहला हम बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं कविता पाठ करवे के लाने श्री विनोद कुमार नयन साहब को। विनोद कुमार नयन जी आपको स्वागत है, रचना पाठ करें। धन्यवाद साहब। सभी जनों को जयराम जी। हम अपनी गीत आपको पर्यावरण संबंधी सुना है, इससे पहले कछु स्लोगन लिखे हैं पर्यावरण स्वागत चाहते हैं। स्वागत। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे जी, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे और वृक्ष सभी के पालनहारे। वृक्ष सभी के पालनहारे, सही बात। सही बात कि जड़ जमीन जंगल मिटे, जड़ जमीन जंगल मिटे और मिट गए पेड़ पहाड़। क्या बात कही, जल जमीन जंगल मिटे, मिट गए पेड़ पहाड़ और इस उजड़ इंसान ने सब कुछ दिया उजाड़। उजड़ इंसान सब कुछ दिया उजाड़। बहुत सही बात कि वृक्ष धरा की शोभा है। वृक्ष धरा की शोभा है और हैं वसुंधरा का श्रृंगार। कि धरती शीतल है वृक्षों से, इनके बिना लगे अंगार, इनके बिना लगे अंगार। तो आपको गीत सुना रहे हम कि बिरथा पेड़ों खोने काटो। बिल्कुल सच्ची बात, पेड़ों खोने काटो। के बिरथा पेड़ों खोने काटो, बिरथा पेड़ों खोने काटो, के बचे रहन दो ई धरती पे, बचे रहन दो ई धरती पे, हरे भरे पेड़ों खो, बचे रहन दो ई धरती पे, हरे भरे पेड़ों खो, के बरसा होत इन्हीं से अच्छी, बरसा होत इन्हीं से अच्छी, ने जल से तुम छाटो, बिरथा पेड़ों को ने काटो। के पर्यावरण बनावे नोनो अच्छो, पर्यावरण बनावे नोनो, देवे शीतल जलवायु। बहुत अच्छी बात। पर्यावरण बनावे नोनो, देवे शीतल जलवायु, और खावे खो फल फूल देते जे, खावे खो फल फूल देते जे, खाओ सबको बांटो, बिरथा पेड़ों खोने काटो। के जित
जितते ज्यादा पेड़ लगे हो, जितते ज्यादा पेड़ लगे हो उतनी खुशियाँ मिले हैं। जितते ज्यादा पेड़ लगे हो उतनी खुशियाँ मिले हैं। के दवा दारू खो जड़ी बूटियाँ, दवा दारू खो जड़ी बूटियाँ, पेड़ों से तुम छाटो बेरथा, पेड़ों को ने काटो। बहुत बढ़िया कि जितने भी हैं जंगली जानवर, जितने भी हैं जंगली जानवर उनके घर ने उजाड़ो, जितने भी हैं जंगली जानवर उनके घर ने उजाड़ो। और अंधाधुंध जो काटे जंगल, अंधाधुंध जो काटे जंगल उनको सब मिल डांटो, बेरथा पेड़ों को ने काटो। के बचे रहन दो धरती पे हरे भरे पेड़ों को, और बरसा होत इन्हीं से अच्छी ने जल से तुम छाटो, बेरथा पेड़ों को ने काटो। और पेड़ का होते हैं धरती के लाए, देखो कि जे तो हैं सुहाग धरती के, जे तो हैं सुहाग धरती के, इन्हीं से ओ की खुशियाँ धरती की, धरती की। हाँ, सही बात। कि जे तो हैं सुहाग धरती के, इन्हीं से ओ की खुशियाँ। और जोन दिना जे पेड़ ने हुई है, जोन दिना जे पेड़ ने हुई है मरघट सो सन्नाटो, बिरथा पेड़ों को ने काटो। के छाया देवे बरसात करें जे पेड़, के छाया देवे बरसात करें जे, और देवे जीवन वायु ऑक्सीजन, जीवन वायु। हाँ, छाया देवे बरसात करें जे, देवे जीवन वायु। और जोन ने इनको मोल ने जानो, जोन ने इनको मोल ने जानो, मिले ने पानी आटो, बेरथा पेड़ों को ने काटो। और अंतिम है कि नयन कहते हैं हाथ जोर के, नयन कहते हैं हाथ जोर के सबसे पेड़ लगाओ, नयन कहते हैं हाथ जोर के सबसे पेड़ लगाओ। और नेक काम में करो न देरी, नेक काम में करो न देरी, उठ के करो सपाटो, बेरथा पेड़ों को ने काटो, बेरथा पेड़ों को ने काटो। वाह वाह वाह, विनोद कुमार नैन जी ने बहुत ही उम्दा गीत सुनाओ, बेरथा पेड़ों को ने काटो। और उनकी बात सुना सुना हमें दोहा याद आ गो के जड़ी बूटियां फूल फल, जड़ी बूटियां फूल फल, फूल फल बिरवे छायादार, और जंगल बिन मांगे हमें देवे हाथ पसार। क्या बात। अब जंगल ने तो जो सब कुछ दिया था, और हमने जंगलों में काटा हो, हरे भरे वन कर दिए काट काट वीरान। बिल्कुल सही, हरे भरे वन कर दिए काट काट वीरान, और सारी धरती तप रही हो रही रेगिस्तान। बहुत रही हो रही है, सही है, यही कारण है। तो जा बड़ी अच्छी गीत रचना प्रस्तुत करी विनोद कुमार नैन जी ने। और अब एक बाद में हम बड़े सम्मान से श्री गोकुल सोनी जी है कविता पाठ करवे के लाने आमंत्रित कर रहे हैं, और उनको बहुत ही बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। श्रोताओं का राम राम। अब हमारे पर्यावरण के बारे में तो जो ही कहो है कि तुलसीदास को याद रखो, उनने कही है छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित जय अदम शरीरा। तो अपनो शरीर ही जोन से बनो हुए जी, हवा पानी
आग मृदा और अपन इन्हीं को दूषित कर दें तो इको मतलब तो जो है कि हम अपने पांव पे कुल्हाड़ी पटक रहे हैं। सही है। अच्छा, अब जब अपन इकी पर्यावरण की बात करते हैं तो आज कल अब जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है, जो हमें आप किसान भाइयों से यही कहने हैं कि सरकार आप लोगों को मना कर करके हार गई, मगर सबसे बड़ा खराब काम जो है कि आप लोग जब पराली जलाते हो खेतों में, नरवाई जलाते हो, इससे सबसे बड़ा प्रदूषण हो रहा है। और इससे प्रदूषण का होता हवा ही नहीं होती कि जब कारी कारी धूरा उड़ के पानी में गिरत है दुनिया भर की, इससे स्वास्थ्य खराब हो रहा है, दम घुट रही, आग जा रही, आग लग रही घरों में, तो क्या बात है, जमीन में जो कीट मिले थे ना, कीटाणु भी मर जाते हैं। तो यही से हमारे वो है, ये हमारे कविता को शीर्षक जो है कि पराली मत जलाओ। पराली मत जलाओ, स्वागत। पर्यावरण प्रदूषित कर रहे, पर्यावरण प्रदूषित कर रहे, गलती करके आंख दिखा रहे, हम तो हटक हटक के हारे, तुम खेतन में आग लगा रहे। पर्यावरण प्रदूषित कर रहे, गलती करके आंख दिखा रहे, हम तो हटक हटक के हारे, तुम खेतन में आग लगा रहे। भूल गए का पिछली साल है, कितने घर में आग लगी थी, कितने गैया बैल मरे थे, कितों की कुटिया झुलसी थी, धुआं धूल धक्कड़ में फंस के खास खास दम घुट गई भाई, कोनहुं जतन काम ने आओ, कलुआ की मर गई मताई। कोनहुं जतन काम ने आओ, कलुआ की मर गई मताई। पर्यावरण करो ने दूषित, बार बार तुमको समझा रहे, हम तो हटक हटक के हारे, तुम खेतन में आग लगा रहे। स्वच्छ अगर जा हवा न रहे, देखो भैया समझवे की बात है, सही है। स्वच्छ अगर जय हवा न रहे, तुम भी स्वस्थ नहीं रह पे हो। सही है। श्वास दमा टीवी हो जे है, खांस खांस बेदम हो जे हो, शासन रोज रोज समझा रहो, कारी धूरा काय उड़ा रहे, हम तो हटक हटक के हारे, तुम खेतन में आग लगा रहे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने कही है और बहुत सही बात की तरफ आपने ध्यान। अब जब हमारी जो दूसरी कविता है, वह है पानी पे। अच्छा। बिन पानी सब सुन के दिल्ली हो जा देहरादून, भैया बिन पानी सब सुन, दिल्ली हो या देहरादून, भैया बिन पानी सब सुन, अरे ताल तलैया सूखे मछली बिन पानी के प्यासी, ताल तलैया सूखे मछली बिन पानी के प्यासी, रौनक बिगड़ गई चेहरों की कैसी छाई उदासी, हिरना जैसे प्यासो भटके तपती मई और जून, दिल्ली हो या देहरादून, भैया बिन पानी सब सुन, बिन पानी सब सुन, भैया बिन पानी सब सुन, कुओं ताल को चलन मिट गयो, हैंड पंप लगवा रहे, कुओं ताल को चलन मिट गयो, हैंड पंप लगवा रहे, धरती माँ की छाती में अनगिनत छेद करवा रहे, अरे धरती माँ की छाती में अनगिनत छेद करवा रहे, काट काट पेड़ों को हरियाली को कर रहे खून, दिल्ली हो के देहरादून, भैया बिन पानी सब सुन, दिल्ली हो या देहरादून, भैया बिन पानी सब सुन, माँ बेटी बहनों की इज्जत मती करो नीलामी, अरे माँ बेटी बहनों की इज्जत मती करो नीलामी, घर में शौचालय बनवा लो हुई है न बदनामी, अरे घर में शौचालय बनवा लो हुई है न बदनामी, स्वच्छ हवा रहे बगिया में, स्वच्छ हवा पानी रहे बगिया में, खिले प्रसून, दिल्ली हो देहरादून, भैया बिन पानी सब सुन, दिल्ली हो के देहरादून, भैया बिन पानी सब सुन, दिल्ली हो के देहरादून, भैया बिन पानी सब सुन। बहुत अच्छा गीत आपने प्रस्तुत करो, और जैसे उन्हें नरवाई जलावे की तरफ उन्हें इशारा करो हो तो जहाँ एक बहुत बड़ी बात है और बहुत जरूरी बात है, जिसकी तरफ अपने किसान भैया ने ध्यान नहीं दें, वो नरवाई जला दिए थे, तो नरवाई न जलाए, कैसे नरवाई जलावे से बहुत सारे नुकसान होते हैं, उनकी तरफ गोकुल सोनी जी ने अपनी कविता से उन्हें इशारा करो है। और जंगल काटे मौत को खुद कर लो प्रबंध, अच्छा
है नहीं भैया, जंगल काटे, जंगल काटे, मौत को खुद कर लो प्रबंध, राख धुआं पेट्रोल की घुसे नाक में गंध। सही बात कही, बहुत सही बात कही भैया। पर्यावरण को नुकसान अपन लोग ऐसे पहुंचा रहे हैं। सही है। अब हम जब कवि गोष्ठी आगे बढ़ा रहे, मनोज जैन मधुर जी से निवेदन कर रहे थे कि वे अपनी कविता पाठ करें। ये तो अच्छो गोष्ठी को माहौल है, बूंदी दी की ऐसी नौनी रचनाएं पड़ी जाने, सो एक गीत हमारा सुन लो भैया। अरे स्वागत स्वागत। के बिरछारो पे जा धरती पे ओ हरियाली पहनाने हैं, हमें तुम्हें और सब खो मिल के पर्यावरण बचाने, हमें तुम्हें और सब खो मिल के पर्यावरण बचाने के, जैसे है सुख समृद्धि सब, जैसे है सुख समृद्धि सब, बात हमारी मानो, जैसे है सुख समृद्धि सब, बात हमारी मानो, ओ ईके होवे से धरती पे सुरगन सो सुख जानो, बहुत बढ़िया, ओ ईके होवे से धरती पे सुरगन सो सुख जानो, ओ बिरछारो पे पानी रोके बिरथा नहीं बहाने हैं, फिर छारो पे जा धरती पे हरियाली पहनाने हैं, हमें तुम्हें और सब खो मिल के पर्यावरण बचाने हैं, हमें तुम्हें और सब खो मिल के पर्यावरण बचाने हैं। और जो गीत को दूसरा बंद हो सुन लो, स्वागत के नहरे बांध नदी सब नारे, नहरे बांध नदी और नारे, सबई होत है प्यारे, सबई होत है प्यारे, इनके संरक्षण से भैया हुए बारे न्यारे, नहरे बांध नदी और नारे, सबई होत है प्यारे, इनके संरक्षण से भैया हुए बारे न्यारे, इन्हें बचा के गांव शहर में अपनी पहचान बनाने, वृक्षारोप पे जा धरती पे हरियाली पहनाने है, हमें तुम्हें और सब खो मिल के पर्यावरण बचाने, पर्यावरण बचाने। ओ भैया गीत को आखिरी बंद जा में भी हम पर्यावरण को संदेश दे रहे हैं। हाँ, हाँ, स्वागत, स्वागत, स्वागत। के उजली भोर सवई के लाने, उजली भोर सवई के लाने, मिले कहत हम सांची, उजली भोर सवई के लाने, मिले कहत हम सांची, वो हरियाली की कथा वेद पुराण सवई ने बाजी, बहुत सही बात। के उजली भोर सवई के लाने, मिले कहत हम सांची, वो हरियाली की कथा हमारे वेद पुराण ने बाजी, वो सुन लो सब भाई बात मधुर की, सुन लो सब भाई बात मधुर की, के हंस हंस के सब माने, वृक्षारू पे जा धरती पे हरियाली पहनाने है, हमें तुम्हें और सब खो मिल के पर्यावरण बचाने है, पर्यावरण बचाने। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। तो जा अबे अपने बीच में मनोज जैन मधुर जी ने बड़ो अच्छो गीत पढ़ो के पर्यावरण बचाने हैं। और अबे जैसे मनोज भाई जो गीत सुना रहे थे बामे, उन्होंने कही कि पर्यावरण बचाने हैं और वृक्ष लगाने हैं, इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे थे। तो जो तकलीफ हम अबे देख रहे हैं, जो चीज समस्या अबे हम समझ रहे हैं, कश्मीर से कही जा सकता है कि हरियाली गायब भई, हरियाली गायब, हरियाली गायब भई, देखे न चीतल चील, सही बात कही, जंगली जानवर से नहीं देखा है, कहां जाए नहीं उनके लाने, कि हरियाली गायब भई, देखे न चीतल चील, उस शीतल जल की छाग लें सूखी कुइयां झील, क्या बात है, बहुत सही। पानी सब जगह पानी की सी समस्या सब तरफ हो रही है, और हरियाली गायब भई के कारण से, तो ये पर्यावरण की जो समस्याएं हैं, पर्यावरण की जो संकट अपन और झेल रहे हैं, इनके बारे में आज की जो कवि गोष्ठी चल रही है, और जब दूसरे दौर के पहले कवि के रूप में हम एक बार फिर से आमंत्रित कर रहे हैं श्री विनोद कुमार नैन जी को कविता पाठ करें।
हवा पानी सब दूषित हो रहे, जंगल कट रहे सारे, हवा पानी सब दूषित हो रहे, जंगल कट रहे सारे, और स्वार्थ में भव आंधरो आदमी जीव जंतु सब मारे, और करी जो छेड़छाड़ प्रकृति से ओ के फल अब पइयो, और पर्यावरण बचइयो भैया, पर्यावरण बचइयो, कि न तो अब भोजन में स्वाद रहो, न फल फूल में रस रहो, कछु में स्वाद ही नहीं लगा हम खा रहे, और मिलावट बेईमानी भई इतनी कि विश्वास सभी से उठ गओ, करें भरोसो कौन पे अब हम, सोच के तुम्हें बतइयो, और पर्यावरण बचइयो भैया, पर्यावरण बचइयो, के न तो सांस ढंग से ले पावे, न साफ पानी पी पावे, और जोन खो देखो बोई लूट रहो, कैसे तुम्हें बतावे, न शासन को डर रहो अब तो, मन की सब कर लियो, और पर्यावरण बचइयो भैया, पर्यावरण बचइयो, के जंगल पेड़ काट दे सबरे, कैसे बरसा होवे, और सूखी धरती किसान भी अपनी मूल पकड़ के रोवे, के का हुई है अब भविष्य देश को, अपने मन गुन लियो, और पर्यावरण बचइयो भैया, पर्यावरण बचइयो, के दिन दूनी संख्या बढ़ रही है, गाड़ी मोटर कारों की, और धुआं रात दिन उगल रही है, आफत भई बेकारों की, बहुत अच्छी बिना कारवारों की, तो धुआं रात दिन उगल रही है, आफत भई बेकारों की, तो हवा भई जहरीली अब तो, मौत को गले लगइयो, और पर्यावरण बचइयो भैया, पर्यावरण बचइयो, कि नयन कहें के संभल जाओ, जल्दी से कछु न बिगड़ो, अबे भी कछु नहीं बिगड़ो, संभल जाओ, नयन कहें के संभल जाओ, जल्दी से कछु न बिगड़ो, और वाहन उत्पादन को सीमित करके टैक्स लो खूब ही तगड़ो, इन पे टैक्स भी खूब लगाओ जी में, कम से कम लोग वाहन चलाएं खरीदे, और पेड़ पौधे और बाग बगीचे जगह जगह पे लगाइयो, पर्यावरण बचइयो भैया, पर्यावरण बचइयो। विनोद कुमार नैन जी, आपने बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाओ, और निश्चित रूप से झाड़ पेड़ कट गए, जंगल कट गए, और सबकी कटवे से अपनों को जो नुकसान हो रहे हैं, सारे नुकसान अपनों झेल रहे हैं, सही है, कि काट काट के लील रहे, काट के लील, शहरों की तो छोड़ दो, गांव में ऐसा होने लगो कि काट काट के लील रहे अमराई की छांव, अब नहीं मिलेगा गांव में अमराई, काट काट के लील रहे अमराई की छांव, और अब भारी तापन पड़े मिले न शीतल छांव, बहुत सही बात, अब तो छांव सुनी मिले, सो भैया पर्यावरण के बारे में जागरूकता बहुत जरूरी है, और अब एक बात में हम कविता पाठ करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं दूसरे दौर के दूसरे कवि गोकुल सोनी जी को, वे आए और अपना गीत प्रस्तुत करें। अब जैसे कि वृक्ष हमारे जो मित्र हैं, और अकेले बात हवा की नहीं है, वृक्षों के तो हम पे बहुत तरह के उपकार, बहुत तरह के, अकेले बात हवा की नहीं है, जन्म लेते आदमी जब ऐसे लकड़ी की जरूरत पड़ते पलना से लगा के, और जब आदमी अंतिम यात्रा पे जा सो उस समय भी वृक्ष हमारे संगे रहते हैं, तो वृक्ष ने तो पूरी जिंदगी सहारो दो है, अब देखो कहाँ कहाँ सहारो दो है, तो अब का है जी धरती को गेनों का है, वृक्ष फलदार वृक्ष धरती के गेने आए, सुंदरता इन्हीं से बढ़त है, नहीं तो रूखी सूखी लगे, तो आओ प्यारी वसुंधरा खो, आओ प्यारी वसुंधरा खो, सुंदर से गहने पहनाएं, फूलों वाले और फल वाले सुंदर सुंदर पेड़ लगाएं,
वाह आओ प्यारी वसुंधरा खो सुंदर से गहने पहनाए फूलों वाले और फल वाले सुंदर सुंदर पेड़ लगाए आदिकाल से मानवता को इन वृक्षों ने दियो सहारो छोटी बड़ी जरूरत खातर हमने इनकी ओर निहारो जब रावण हर लीनी सीता माता बहुत दुखी थी भाई जब रावण हर लीनी सीता माता बहुत दुखी थी भाई एकमात्र साथी अशोक खो उनने मन की व्यथा सुनाई सूझो ने जब कोनो रास्ता सब चिंतन अवरुद्ध हो गए बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तब सुद्धोधन बुद्ध हो गए क्या बात है बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तब सुद्धोधन बुद्ध हो गए पेड़ अगर न होते तो सब ताजी हवा कहाँ से पाते जल चर थल चर नभ चर सारे दम घुट जाती जान गंवाते अगर न होते तो तब सब ताजी हवा कहाँ से पाते जल चर थल चर नभ चर सारे दम घुट जाती जान गवाते पेड़ न बिल्कुल कभू काटियो करियो ने अपनी मनमानी पेड़ बिना जीवन ने चल है पेड़ बिना ने बरसे पानी पेड़ों को उपकार बहुत है इनसे औरन नहीं हो पहो इसे आज कसम तुम खा लो मेहनत कर हो पेड़ लगे हो इसे आज कसम तुम खा लो मेहनत कर हो पेड़ लगे हो। बहुत ही अच्छी बात श्री गोकुल सोनी जी ने कही। अब थोड़ी देर पहले हमारे मनोज जैन मधुर जी ने जो गीत पढ़ो थो गीत में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी वृक्षारोपण जा धरती पे हरियाली पहनाने है। हाँ बहुत सही बात है बहुत अच्छी बात कही थी। तो हम मनोज भाई से एक बार फिर निवेदन कर रहे थे कि वो गीत को बोवालो बंद जरूर फिर नहीं वो तो संदेश वार है संदेश देना है वृक्षारोपण जा धरती पे बोवालो बंद जरा फिर से सुना बिल्कुल जो एक बंद और हमने इसमें जोड़ दो है चौथा बंद मौर्य को तो वो पूरे कर दे था ठीक के हमें तुम्हें और सबको मिलके पर्यावरण बचाने हैं पर्यावरण बचाने हैं के पंछी खो मिल पेह दानो के पंछी खो मिल पेह दानो और पीवे खो पानी पंछी खो मिल पेह दानो और पीबे खो पानी ओ फिर कऊ हंस के कथा सुना है बचपन खो बनानी फिर कऊ हंस के कथा सुने है बचपन खो फिर नानी ओ बेर बेर जा बात हमाई बेर बेर जा बात हमाई सबको रोज सुनाने हैं बिरछा रूपे जा धरती पे हरियाली पहनाने पर्यावरण बचाने हैं हमें तुम्हें और सबको मिलके पर्यावरण बचाने वाह 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 बहुत अच्छी बात मनोज जैन मधुर जी आपने कही। और निश्चित रूप से जैसे अपन देख रहे हैं कि पर्यावरण के बिगड़वे के साथ साथ अपनी खेती किसानी पे भी असर पड़ रहा है और जब खेती किसानी पे ऐसा असर पड़ रहा हो कि खेती किसानी में अब कई बार ऐसा फायदा सुई नहीं हो रहा है तो वो चक्कर में कई बार कहो था कि किसान हरे सुई अपनी खेती किसानी छोड़ छाड़ के कुछ दूसरे काम धंधे के लाने शहर तक तो एक दोहा जो देखें कि जब किसान पहुंचे शहर अच्छा जब किसान पहुंचे शहर छोड़ खेत खलिहान अपनो पर्यावरण अपने आसपास को परिवेश छोड़ पहुंचे होते कि कछु काम धंधो मिले सो जब किसान पहुंचे शहर छोड़ खेत खलिहान इतने होते ढूंढन लगे राशन की दुकान तो कहवे को मतलब जो है कि अपन अपने आसपास को परिवेश अच्छो बना कर रखें पर्यावरण अपन बचा कर रखें तो ये अपन बच पाए। और आज की जब कवि गोष्ठी को जो संदेश है और हमारा पूरा विश्वास है कि जब कवि गोष्ठी को जो संदेश हमारे सब श्रोताओं तक पहुंचे हुए आज की कवि गोष्ठी में जिन कवियों ने भाग लाओ उन औरों को एक बार आप और फिर परिचय करा दिए थे। हमारे बीच में थे विनोद कुमार नयन जी श्री गोकुल सोनी जी और श्री मनोज जैन मधुर जी। कवि गोष्ठी को संचालन करो आनंद कृष्ण ने और अब एक संगे कवि गोष्ठी से विदा लिए थे तो सभी को नमस्कार राम 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 राम।